अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोग ने आपको बताया था किस तरह आप एक प्रोफेशनल इंट्रो बना सकते हैं अपने वीडियोस के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, आप ये वीडियो देखने के बाद आप उसको देख लीजिएगा। अब आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह आप एक प्रोफेशनल आउट्रो बना सकते हैं अपने वीडियोस के लिए। तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन चाहिए, काइन मास्टर। ये आप लोग के पास पहले से होगा ही, तो आप काइन मास्टर के थ्रू एक प्रोफेशनल आउट्रो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना काइन मास्टर ऐप को ओपन करूँगा, ठीक है। तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो प्लस का आइकॉन है जिससे हम लोग वीडियो नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप आउटडोर बनाना चाहते हैं यूट्यूब के लिए तो आप ये 16:9 वाला रेशियो को क्लिक करिएगा, ठीक है, हो गया। आपको क्या करना है कि जो मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको इसको क्लिक करना है और आपको रैंडमली कोई भी एक पिक्चर ले लेना है अपना। तो मैं अपना ये पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक पिक्चर ले लिया हम लोग ने, ये मेरा वो थंबनेल एक वीडियो का। तो आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं करता। अब आपको क्या करना है कि इसको को क्लिक करना है और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट लिखा है आपको उस पर जाना है और यहाँ से जो ब्राइटनेस का लेवल है, देखिए ब्राइटनेस का है, आपको इसको एकदम लो कर देना है, जीरो नहीं -55, ठीक है। तो आप इसको ऐसे पूरे, तो आप इसको इस तरह पूरा ब्लैक कर दीजिए। अब आपको क्या करना है कि इसको आपको 20 सेकंड तक रखना है, उस ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर होता है वो 20 सेकंड तक होता है। तो देखिए हमने 20 सेकंड का इसको बना लिया। हाँ, अब आपको क्या करना है कि आप इसको क्लिक करिए, ठीक है। जो सॉरी क्लिक नहीं, लेयर पे जाइए आप लोग। लेयर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है ओवर लेयर, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको चाहिए फेरी बॉर्डर और फेरी सेप, ये वाला जो दिख रहा है। अगर आपके पास नहीं है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से है? ये जो नीचे गेट मोड दिख रहा है आपको इसको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये है काइन मास्टर एसेट स्टोर। तो आप थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है लोड होने में, ओके। तो देखिए हमारा काइन मास्टर एसेट स्टोर ओपन हो गया। तो देखिए आपको बहुत सारा यहाँ पर जब स्टिकर मिलेगा तो आपको नीचे करते जाना है, आपको मिलेगा एक फायरी बॉर्डर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट बॉर्डर है, यहाँ पर बहुत सारा आपको इस टाइप का बॉर्डर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे भी है, तो आप किसी को भी यूज़ करते हैं, आपको नीचे करते जाना है, आपको फायरी बॉर्डर मिलेगा। मैं देखता हूँ मिलता है कि नहीं, ओके गाइस। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा दो आ गया, फायरी शेप और फायरी बॉर्डर। देखिए ये जो आपको दो दिख रहा है, आपको ये दोनों को यहाँ से ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं पहले से इंस्टॉल कर रखा हूँ इसलिए मेरे में ऐसे दिखा रहा है। तो देखिए मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पे जो ये फायरिंग बॉर्डर्स है इसको हम लोग ने इंस्टॉल कर लिया है। एक बार ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से फायरिंग बॉर्डर्स में जाना है और आपको यहाँ से ये वाला जो बॉर्डर है लास्ट वाला आपको इसको क्लिक करना है। अब देखिए हमारा यहाँ पे एक फायरी बॉर्डर्स आ गया है यहाँ पे, उसको थोड़ा छोटा कर लेना है ताकि आपका जो वीडियो है वो यहाँ पे फिट हो जाए आउटडोर के लिए। ये देखिए हमारा यहाँ पे सब यहाँ पे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे यहाँ पे। हाँ, अब आपको क्या करना है कि यहाँ जो 3 डॉट दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डुप्लीकेट ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है और ये देखिए यहाँ पे एक डुप्लीकेट इसका आ गया। अब डुप्लीकेट को आपको यहाँ पे रख देना। अब अगर आपको एक और बनाना है तो आप यहाँ से क्लिक करिए और डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं बनाऊँगा, मेरे को इतना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको पेस्ट करते रहूँ। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है कि आपको फायरी शेप में जाना है, वैसे लेयर में जाएंगे फिर ओवर लेयर में जाएंगे और यहाँ पे जो फायरी शेप है आपको उसको क्लिक करना है और यहाँ पे जो ये गोल वाला है, ठीक है, ये जो सर्कल देख रहे हैं आप, आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। एक बार ये आ गया तो आप इसको यहाँ से साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे
पेस्ट कर दूंगा इसको। ठीक है, हो गया ये हमारा। अब देखिए ये जो है एनिमेशन है, मैं इसको प्ले करूँगा। देखिए इस टाइप से एनिमेशन प्ले होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको लेयर्स में जाना है और वॉल्यूम में जाना है, और यहाँ पे आपको एक और चाहिए, ये वाला नियॉन बॉर्डर, नियॉन बॉर्डर्स। ठीक है, ये आपको कैसे डाउनलोड करना है, इससे इसका डाउनलोड करने का प्रोसेस एकदम सेम है। आपको गेट पॉइंट पर जाना है, आप सर्च करेंगे, आप ढूंढेंगे थोड़ा, मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को ये वाला नियॉन बॉर्डर अच्छा लगता है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। और इसको आपको यहाँ पे, ठीक है, हाँ देखिए आप इसको यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, ये लग गया है। एक बार ये लग जाए फिर आपको फिर से लेयर्स में जाना है, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट में जाना है, और टेक्स्ट में जाने के बाद आपको यहाँ लिखना है थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं, सब्सक्राइब वगैरह, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने लिख दिया थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपको ओके पे क्लिक करना है और इसको आपको वहीं पे लगा देना है। मैं नियॉन बॉर्डर को थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ, बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो ये देखिए, और जो थैंक्स फॉर वॉचिंग था इसको हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के इस पर क्लिक करिए, और ये जो ए लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप फॉन्ट लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद। ठीक है, तो हम लोग ने फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। अब आप इसमें एनिमेशन भी लगा सकते हैं, अगर आपको एनिमेशन लगाना है तो। तो मैं देखते कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये पॉप वाला अच्छा लग रहा था, मैं पॉप लगाऊंगा और इसको स्टोर स्लो कर दूंगा। ठीक है, ये लग गया है एनिमेशन। हाँ, अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे। अब ये जो हम लोग ने जितना भी लगाया था फेयरी बॉर्डर्स जो भी, आपको इसको एकदम फुल कर देना है। फुल कैसे करना है आप तो जानते हो, ऐसे खींच के आपको ऐसे खींचना है और फुल कर देना। तो मैं कर देता हूँ फटाफट सब कुछ। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं हम लोग ने इसका फुल लगा दिया है। अब हम लोग आपको प्ले करके दिखाते हैं हमारा इंट्रो कैसा बना है। ठीक है, तो प्ले करने से पहले हम लोग इसमें, ठीक है, तो हम लोग प्ले करने से पहले इसमें थोड़ा म्यूज़िक लगा देते हैं। तो म्यूज़िक लगाने के लिए आपको ऑडियो में जाना है, और यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट ऑडियो दिया हुआ रहता है, और या फिर अगर आप चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑडियो को। ऑडियो कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर जो म्यूज़िक एसेट्स लिखा हुआ है उसको क्लिक करना है, और यहाँ पर गेट म्यूज़िक पे क्लिक करना है। यहाँ से आप नो कॉपीराइट म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डाउनलोड करके नहीं दिखाऊंगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जो मेरा म्यूज़िक था पहले से, तो मैं देखता हूँ कौन सा म्यूज़िक डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये म्यूज़िक मैं डालता हूँ, ये वाला म्यूज़िक मेरे को थोड़ा ठीक लगा, तो मैं ये म्यूज़िक को यहाँ डाल। अब आपको क्या करना है कि आपको इसके एकदम लास्ट में जाना है और इस म्यूजिक पे क्लिक करना है, और यहाँ से जो आपका जो ड्रीम और स्प्लिट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, आपको इसको क्लिक करना है। देखिए यहाँ से ट्रिम हो गया है। देखिए हम लोग ने सारा कुछ यहाँ लगा दिया है जो भी लगाना था आउटड्रो के लिए। अब देखते हैं हमारा आउटड्रो कैसा बनना है। ये देखिए हमारा आउटडोर कितना अच्छा लग रहा है, दिखने प्रोफेशनल लग रहा है एकदम।
ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग ने हमारा इंट्रो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में इसका दिया हुआ है लिंक, आप वहाँ से हमारा इंट्रो कैसे बनाते हैं प्रोफेशनल इंट्रो आप देख सकते हैं।